रुक करते हैं अब प्रदेश की ओर। सबसे पहले आज सुबह शिमला में हुआ बस हादसा। हिमाचल प्रदेश में हादसों का आलम बदस्तूर जारी है। राजधानी शिमला में एचआरटीसी की बस अब हादसे का शिकार हुई है। हादसे में बच्चे घायल हुए हैं, जबकि कुल सवार उसमें 8 थे, जिनमें से बताया जा रहा है कि ड्राइवर के समेत 3 की मौत हुई है, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। घायल बच्चों को शिमला के IGMC में रेफर करके वहाँ उनका इलाज चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में हादसों का आलम बदस्तूर जारी है। राजधानी शिमला में HRTC की स्कूल बस हादसे का शिकार हुई है। हादसे में कई बच्चे घायल हुए हैं, जिनकी संख्या 8 बताई जा रही है, जिनमें से 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 6 घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत हुई है। घायल बच्चों को शिमला के IGMC अस्पताल लाया गया। शुरुआती जानकारी से पता चला है कि शिमला में HRTC की स्कूली बस बच्चों को लेकर जा रही थी, खलीनी के पास झंझड़ी में हादसे का शिकार हुई है। एक अन्य वाहन को पास देते समय ये हादसा हुआ है। तंग सड़क की वजह से बस सड़क के नीचे लुढ़क गई, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि बस चेल्सी स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही थी। जानकारी के अनुसार 6 बच्चे इस हादसे में घायल हुए हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है तथा स्थानीय लोगों की मदद से राहत व बचाव कार्य किया जा रहा है। SP शिमला मौके पर मौजूद हैं।